अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना शेफ शेफ जाकिर वाला है अनदर एपिसोड्स आप लोगों की फरमाइश और कुछ अपने छोटे से स्टाइल के साथ है। क्या हाल है सब मेरे देखने वाले और सुनने वालों का, और जहां जहां मेरी आवाज़ इस वक्त मौजूद है उन सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत धन्य मुन्ने दोस्तों को प्यार। जी हाँ जनाब, आज हाजिर हैं वेरी स्पेशल दो चीज़ें। जी हाँ, एक तो मसाला चिकन के नाम से हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ, और एक है कबाब रोल। और कबाब रोल मैं बताता चलूँ कि बहुत सिंपल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको दो तरीके से आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कि दोनों तरीके जो आसान हुआ आपको लगे कि हाँ ये आसान तरीका है घर में बनाने का तो हम बना सकते हैं। दोनों तरीके मैं भी आपको शेयर कर दूँ ताकि आप प्रिपेयर कर लें अपने आप को कि कहाँ किस चीज़ को कैसे नोट करना है। जी हाँ, नंबर एक पे जो कबाब रोल हम बनाएंगे वो इंशाल्लाह ताला डीप फ्राई करेंगे ऑयल में, और नंबर टू पे हम कबाब रोल बनाएंगे अपने ओवन में। मेरे उन देखने वालों के लिए जो ऑयल या डाइट के हवाले से थोड़े से कॉन्शियस हैं, तो दोनों कोशिश मैं करूँगा कि आज अपने इस शो के अंदर दोनों स्टाइल में शेयर कर सकूँ। और स्टीम पैन आपको नज़र आ रहा होगा, ये रवा दवा है गर्म होने के लिए। जी हाँ, ये तैयारी हो रही है मसाला चिकन की, लेकिन मसाला चिकन भी टू वे में इंशाल्लाह ताला शेयर होगी आज। कुछ थोड़ा सा नया लुक होना चाहिए, कुछ ऐसे होना चाहिए कि रूटीन से खाने थोड़े से हटके और मज़ेदार किस्म के बने, और खाने वाला वाकई कह सके कि इस खाने में मज़ा आ गया। इंशाल्लाह कोशिश ही होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज अ वेरी स्पेशल आज का, और तैयार हो जाएँ। तो सबसे पहले जो चीज़ हम शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ वो है बीफ रोल। और बीफ रोल में या तो बीफ रोल ले लें या मसाला चिकन ले लें, अब चॉइस जो भी आप चाहें, क्योंकि बनेंगी दोनों चीज़ें और आपके अपनी टाइमिंग के हिसाब से, तो क्यों ना जो कह चुके हम उसी पे अमल करते हैं बीफ रोल की तैयारी। बीफ रोल के अंदर हमारे पास बीफ का कीमा है लगभग 300 ग्राम, जो एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये कीमा बिल्कुल रूखा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें चिकना या जो चिकनी कूट देते हैं इसमें मशीन से निकाल के वो नहीं, बिल्कुल रूखा कीमा होना चाहिए। और इस चीज़ का इत्मीनान कर लें कि कीमा बिल्कुल साफ़ करके उन्होंने निकाला हुआ, क्योंकि अगर इसके अंदर किसी भी दूसरी चीज़ की मिक्सिंग जब हो जाती है तो फिर बस वक्त कीमे का मज़ा नहीं आता, बल्कि कुछ चीज़ मुंह में ऐसी आ जाती है कि जिसको निकालना पड़ता है। 300 ग्राम कीमा हम हवाले कर देंगे अपनी इस चॉपर मशीन के, और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल, और यहाँ पे स्लोली मैं ऑयल को भी स्टार्ट कर दूँ ताकि ऑयल भी हमारा तैयार हो जाए। और ओवन में ऑन कर चुका हूँ 250 डिग्री के ऊपर, याद रहे इसको हमने ऊपर और नीचे दोनों का एक साथ ऑन करा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ओवन है और जिन घरों में गैस हो तो वो नीचे का ऑन करें, लेकिन ट्रे को जो है मिडल रैक में रखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा नीचे रखने से नीचे का जो खाना होता है, हाँ वो कुछ भी हम रखें, वो जल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मौजूद है मेरे पास एक दरमियानी प्याज, और दरमियानी प्याज को हम हवाले कर देते हैं अपने इस मशीन के, और साथ में मेरे पास मौजूद है एक दरमियानी टुकड़ा अदरक का, अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा कि जो एक टेबल स्पून पे समा जाए। जी हाँ, इतना